बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल स्थित पेटरवार प्रखंड में झारखंड की स्थापना के बाद आदिवासी छात्रों को शिक्षा से जोड़ने के लिए 2002 में झारखंड की तत्कालीन सरकार की ओर से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 100 बेड का आदिवासी छात्रावास का निर्माण किया गया था। वही छात्रावास में बोकारो जिले के पेटरवार, कशमार सहित अन्य क्षेत्र के आदिवासी छात्र पठन पाठन करने के लिए रहते हैं। वही छात्रावास वर्तमान समय में बेरुखी का दंश झेल रहा है जबकि छात्रावास पूरी तरह से जर्जर हो गया है। वहीं इसमें 100 छात्रों के रहने के लिए 32 कमरे, एक मीटिंग हॉल, एक बड़ा किचन, 16 बाथरूम और शौचालय का निर्माण किया गया था। वहीं 21 वर्षों के अंतराल के अनदेखी के कारण काफ़ी जर्जर हो गया है। मूलभूत सुविधाओं के कारण कई छात्र पढ़ाई भी छोड़कर चले गए हैं। वहीं जब प्रखंड कल्याण पदाधिकारी से जानने की कोशिश की तो वे टाल मटोल कर चलते बने। वो अब देखना है कि बच्चे अपने भविष्य को कैसे वहाँ निखारते हैं। टूर पर तो नहीं कह पाएंगे सर, लेकिन ऐसा एक बार सुने थे कि इस बिल्डिंग के रिपेयरिंग के बारे में बन के रेडी था। कागजात में सुने, हम देखे नहीं, मेरे पास कागज आया नहीं। अंदर में सर हम प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को हम आवेदन देते हैं और वो आवेदन वो जिला को भेजते हैं और जिला भेजने के बाद उधर से कोई कार्रवाई नहीं होती है सर। मटोला से आकर रह रहे हैं, नाम हुआ नमन टुड्डू, और बहुत वायरिंग वगैरह भी बहुत प्रॉब्लम है, तो लाइट वाइट का दिक्कत होता है, पानी का भी बहुत छत से टपक रहा है, कोई ये नहीं दे रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है हॉस्टल में। सब जब पटवार हाई स्कूल में हम पढ़ाई करते थे उस समय इस हॉस्पिटल हॉस्टल का जो हम देखे थे खपड़ा का ही हॉस्टल था, लेकिन वहाँ रख रखाव बहुत बढ़िया था और उनका प्रभारी मुकुंद प्रसाद थे जो बच्चों के लिए राशन उशन भी राशन कार्ड के द्वारा उन्होंने व्यवस्था करवाते थे मेस का। लेकिन अभी का जो स्थिति देख रहे हैं, इतना सुविधा बिल्डिंग होने के बावजूद कि वो सुविधा नहीं दिया जा रहा जो पहले था। अभी का स्थिति ऐसा हो गया हॉस्टल में कि कोई कैसे रह रहा है वो देखने में हमको आज हम देखें आके